ज्ञान से रोशन कर दे सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। निरक्षरता अभिशाप है और साक्षरता वरदान। हम सब, ये एक ऐसे मजदूर समुदाय की कहानी है जो एक परिवार की तरह रहता है। यहाँ का हर शख्स मेहनत कश, ईमानदार और भोला है, लेकिन निरक्षर, अनपढ़ और अंगूठा छाप है। यही निरक्षरता उनके जीवन में आड़े आती है और बर्बादी का कारण बनती है। ये समुदाय हमारे देश में फैली निरक्षरता और उससे पैदा होने वाली समस्याओं का दर्पण है जो ऐसे लाखों समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ये धारावाहिक साक्षरता के महत्व को जनमानस तक पहुंचाने का एक प्रयत्न है। तो आइए मिलते हैं इस समुदाय के मुख्य पात्रों से। ये हैं माधो काका, टोली के मुखिया। सब लोग इनका आदर करते हैं और इनका कहा मानते हैं, लेकिन माधो काका अपनी निरक्षरता के कारण हुए अत्याचार को ईश्वर की मर्जी समझते हैं। ये है गोविंदा, जिसके माता पिता निरक्षरता के कारण काल की भेंट चढ़ गए जब वो 10-12 साल का था। ये विक्रम है, जोशीला, भावुक, आत्मविश्वास से भरपूर, गौरी से ब्याह करके अपनी गृहस्थी बसाना चाहता है। ये है गौरी, विक्रम को बहुत चाहती है लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। अब मिलते हैं लक्ष्मी काकी से। लक्ष्मी काकी स्वयं तो अनपढ़ हैं, पर अपनी बेटी गौरी का ब्याह किसी पढ़े लिखे लड़के के साथ करना चाहती हैं। विक्रम और गौरी का मिलना जुलना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भरतू है, निरक्षरता की वजह से अपनी पत्नी को खो बैठा है और अब उसी गम में दिन रात शराब में डूबा रहता है। ये गिरधर है, शांति कंस्ट्रक्शंस का मैनेजर, मजदूरों की निरक्षरता का पूरा पूरा फायदा उठाने वाला इंसान के रूप में शैतान। ये मोहन है, गौरी के पिता, सीधे साधे इंसान जो हमेशा टोली के साथ रहना चाहते हैं। ये गंगादीन है, विक्रम के पिता, नेक इंसान है, माधो काका के विचारों से पूरी तरह सहमत। बिश्ना, जो अनपढ़ता की वजह से अपनी अब तक की जमा पूंजी गंवा चुका है। और अब आती है रेणुका, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की तरफ से प्रौढ़ शिक्षा को जीवन का ध्येय समझने वाली लड़की, जो चाहती है कि भारत का हर व्यक्ति कम से कम बुनियादी शिक्षा से परिपूर्ण और साक्षर हो। रेणुका ने टोली को पढ़ाना क्या शुरू किया, टोली वालों की जिंदगी ही बदल गई। हम सब धारावाहिक की कथा का प्रारंभ होता है भरतू की बेटी राधा और गोविंदा की शादी से। तो आइए इनकी शादी में हम भी शरीक होते हैं। आज का दिन हम सब के लिए बड़ी भारी खुशी का दिन है, भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे सामने के ये बच्चे राधा और गोविंद, जो हम सबके सामने यही खेलकर बड़े हुए, आज इन दोनों का ब्याह हो रहा है। मुझे याद है आज से 10 बरस पहले। गोविंदा की माँ, कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि अगर हमने गोविंदा को स्कूल भेजा होता तो वो भी पढ़ लिख के मैनेजर बाबू बन जाता। ये सब हमारे नसीब में नहीं है, ये सब सेठ लोगों के वास्ते। कुल के कपड़े, लत्ते, फीस, किताब के पैसे कहाँ से आएंगे? हम गरीब लोग अपनी चद्दर में ही रहे तो अच्छा है। पढ़ लिखने के फायदे तो है ही, अगर हम पढ़े लिखे होते तो ये पढ़ लेते कि इस बोर्ड पर क्या लिखा है। ये लिखा होगा कि धीमे चलो, आगे पुल है। हाँ, अगर कुछ और लिखा होगा तो हम लोगों को तो तैरना भी नहीं आता। ऐसे ही डरते हो, हम लोग कितनी बार यहाँ से आए हैं। चलो चलो। राम राम माधव काका, राम राम। अरे भाई बैठे रहो बैठे रहो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों माधव काका, आज शादी का जश्न मनाया जा रहा है क्या? बस आपकी कृपा है। अरे भाई गोविंदा, मुबारक हो, शादी मुबारक हो। रतन जी मालिक। अरे भाई अपने दोस्त का गिफ्ट ला।
ये ले भाई गोविंदा। अरे बेटा पैर छू बालिक के, तेरे बाप की उम्र के हैं। अरे कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कुछ भी कहो माधो काका, आपकी राधा आज बड़ी सुंदर लग रही है। आपकी बच्ची है मालिक। सो तो है माधो काका, लेकिन बड़े अफसोस की बात है माधो काका कि इतने दिनों तक मेरे साथ काम करने के बावजूद मुझे पता ही नहीं चला कि राधा बच्ची से जवान हो गई और इतनी खूबसूरत, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी राधा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी राधा की खूबसूरती इसी तरह बरकरार रहे। बस सब आप ही की कृपा है मालिक। कृपा तो समझो माधव काका, राधा के ऊपर हो ही गई। क्यों रे राधा, कल काम पे आएगी या किसी को बदले में भेज के छुट्टी मनाएगी है? हम लोगों के नसीब में छुट्टी कहाँ है मालिक, काम से छुट्टी करे तो समझ लो चूल्हे से भी छुट्टी। सो तो है माधव काका। अच्छा तो माधव काका अब मैं चलता हूँ। जरूर राधा। हाँ रे, ऐसे कैसे मालिक, मुँह तो मीठा करके जाओ। अरे भाई करा दो मुँह मीठा। अरे सावित्री बहन, मुँह तो मीठा कराओ मालिक का। क्यों रतन जी? मालिक तू मेरे साथ चलेगा यहाँ रुक करके जश्न मनाएगा? अरे गोविंदा तो अपना यार है ना मालिक, तो मुझे तो रुकना ही पड़ेगा ना। ठीक है भाई तू रुक ले, जश्न मना ले। अरे लाओ 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 ले भाई रतन, तू भी खा ले मीठा अपने दोस्त की शादी का। राम राम। हाँ राधा चलता हूँ मैं, छोड़ कर आता हूँ। माधो भैया अब आप ही बताइए हम क्या करें। अरे अब करना क्या है, खाओ पियो नाचो गाओ मौज मनाओ। हाँ हो भरतू भैया, अकेले अकेले जश्न मना रहे हो, कम से कम हमहू को तो साथ रख लेते। अब के लिए थैली मंगवा रखी है भाई। अच्छा भाई सुनो, भाइयों सुनो, सबके लिए थैली आ गई है, जान जान लोगों को पीना है वो कोने में आ जाए, वहाँ सब इंतजाम कर दिए हम, एक नंबर का माल है, चक्के भी देख। और आप लोगों का खाने का सामान हम वही भेज दे हैं। चलो सावित्री काकी, राधा को उखले झोपड़े में ले चले। हाँ हाँ अरे चलो चलो, ये मर्दों का क्या भरोसा, रात भर पीते ही बैठेंगे। हाँ हाँ रात बहुत हो चुकी है, चलो चलते हैं। हाँ चलो चल बेटी चलो। चलो भाई अब आजा आजा। अरे भरतू काका, पीने वालों का तो जुगाड़ कर दिया, हम ना पीने वाले काका। अरे भाई जिसे नहीं पीनी है वो इधर आ जाओ हमारे पास। कहो सावित्री काकी, अरे जश्न के खाने पीने में क्या बनाई है? इसमें तो सिर्फ खाने की बड़ी रहती है। अरे हमारे मुंह में पानी आवत है। अरे मुर्गे की बिरयानी बनी है। हाँ तो बच्चों, एक था राजकुमार और एक थी राजकुमारी। आज तू उदास क्यों है? नहीं रे बिस्ना, हम उदास नहीं है रे, हम बहुत खुश है। बस एक ही तो चिंता थी राधा बिटिया की शादी की, सो चिंता मुक्त हो गए भैया। नहीं बर्तू नहीं, हम तुमको अच्छी तरह से जानते हैं, तू हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। तुमसे क्या छुपाऊं बिस्ना, सच पूछ तो तुम्हारी भुजाई की बहुत याद आ रही है हमको, आज होती तो बहुत खुश हो जाती राधा बिटिया की शादी को देख के। सो तो है, आज भुजाई के पांव जमीन पर नहीं टिकते। हमारी किस्मत बहुत खराब है बिस्ना, बहुत खुश थी जब पहली बार गांव जा रही थी, हम भी सवेरे सवेरे तैयार होकर गाड़ी में जाकर बिठा दिए, पर हमको क्या मालूम कि वो गाड़ी हमारे गांव नहीं जाती है। पढ़े लिख के नहीं है ना रे बिस्ना,
हमको सब गाड़ी एक ही जैसी लगती है। उस दिन हमारे नसीब की गाड़ी चली गई। कैसे गई, कहां गई, बहुत ढूंढे नहीं मिली बिस्तर, हमको नहीं मिली बिस्तर। और उस दिन से तू पी रहा है, पीता ही जा रहा है, पीता ही जा रहा है। और कौन है हमारा ख्याल रखने के वास्ते? राधा बेटी की तो शादी हो गई है, पीपी के मर जाएंगे अब। और वो राक्षस मर गया। तो काका, उस राजकुमारी का क्या हुआ? राजकुमारी को ले गया राजकुमार। राम राम काका। राम राम काका। ये बिशन सिंह दीमान कौन है? बिशन सिंह, बैठो बैठो, यह हमारा बापू है। हाँ बिस्ना। अच्छा बेटा तू ऐसा कर, तू उधर जा, वहाँ बिस्ना बैठा है, तू उसको बोलना माधो काका ने बुलाया, जा। अब ये काका हजार बार सुनाए हुए किस्से का फिर से दोहराइए, इससे पहले कि अपनी कहानी शुरू करे। चल ना बाबा। चल ना। कोई देख ले तो। अरे चल ना। छोड़ ना। अरे चल। छोड़ ना। अरे चल ना। कोई देख लेगा तो। अरे प्यार करेंगे भाई। अरे बाबा छोड़ ना। तू देख, कल तू छुट्टी ले, फिर हम घूमने जाएंगे। हाँ छुट्टी ले घूमने जाएंगे। अरे नहीं छोड़ ना, ना। देख राधा क्या जाना है, छोड़। अरे काका, काम मजदूरी का नाम किसी फौजी अफसर जैसा। बिशन सिंह दीमान, हम तो उलझ के रह गए। आपने हमको बुलाया? हाँ, ये वॉचमैन चिट्ठी है। तने पढ़ के भी सुना दे भाई। अरे काका, हमको पढ़ना लिखना आता तो वॉचमैन की नौकरी थोड़ी करते। अच्छा काका चलते हैं। राम राम। अच्छा माधव भैया, हम भी चलते हैं। अच्छा अब बच्चों, अब रात बहुत हो गई है, अब और कहानी नहीं सुनना है, जाओ और जाके सो जाओ। भविंदा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार, आज तेरी शादी की खुशी में पी पी। मेरे भाई पी ले, पी ले, मेरे दोस्त पी ले। अब हम और ना पी। अरे मेरे दोस्त आखिरी गिलास पी ले, पी ले मेरे भाई पी ले। ये मर्द लोग भी न जाने कब तक पीवत है। बहन तुम सच कहो तो, ये लोग कब आएंगे, कब खाएंगे और हम कब सोएंगे? हाँ हाँ गंगा, जा तो जल्दी जल्दी खाना लगवाई दे, नहीं तो ये लोग तो पीते ही रहेंगे। ये बात बराबर है। अब जाते हैं काकी। हाँ जल्दी जाओ। काकी, गंगा मौसी एक बार खाना बांटने बाहर गई तो समझो गई, वो वापस नहीं आने वाली, जाके सो जाएगी। ये भी सच है। लेकिन ये मुआ गोविंदा, वो भी तो अभी तक नहीं आया। बेचारी राधा बिटिया को तो नींद आवत है। काकी, गोविंदा, अरे गोविंदा है, चलो 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 जल्दी चलो। अरे यार ये देखो इनके। अरे जा जा, तेरा इंतजार कर रही है। कौन है? यही है मुआ। हाँ के दिन का हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे।
कि गोविंदा धीरे से आएगा, मेरा घूंघट उठाएगा, फिर कस के अपनी बाहू में खींच लेगा। भारी किस्मत, आज फिर ये दारू हमारे बीच में आ गई। राधा राधा, अब हम कभू दारू नहीं पियेंगे, राम कसम। नहीं, काहे नहीं, रोज पी तो के हमार चिंता ही का है। ओ कल रतन जबरदस्ती। तो रतन का कहना मानो ना, वो तो आज फिर कहेगा चलो तो के पिला लाई, तू का बीवी बना कर रख लो ना घर में, हमार का जरूरत है। ए, राधा, हम भी तो किस्मत ही फूटे रही, अम्मा न जाने कहाँ चली गई, बापू नशे में धुत रहा था, जिससे शादी हुई नशे में झूम रहा है। राधा राधा, हमको माफ कर दे, तेरे सर की कसम, अब कभू दारू नहीं पिएंगे हम। मर भी जबे तो के का फर्क पड़े वाला है। ए राधा, ऐसा नहीं बोल, हम तो का बहुत प्रेम करत रहे, तुहार बिना हम जिंदा नहीं रह सकत। अब हम ऐसा का करे जो तो को यकीन आ जाए। तो फिर तू वादा कर कि आज के बाद कभू दारू नहीं पियोगे। वादा करते हैं कि कभू दारू नहीं पियेंगे, तेरी जान की कसम। पर अब तनिक मुस्कुराई तो दे। कैसा है मेरे यार? अच्छा तुम बातें करो, मैं जाती हूँ। चल, चलता है, उतारा मार के आएंगे। हट, सवेरे सवेरे उतारा मार के आएंगे। अरे हमें कोई काम धंधा नहीं है क्या? ठीक है भाई, नाराज क्यों होता है, मैं यही लेकर आता हूँ, कहीं ठोकर मार लेंगे। नहीं भाई, कल भी तुमने हमको पिला पिला कर बेहोश कर दिया, आज हम नहीं पियेंगे। अरे माथा फटा जा रहा है। अरे भैया, इसीलिए तो कहता हूँ उतारा लगा ले, थोड़ी सी अंदर जाएगी ना, माथा वाथा एकदम ठीक हो जाएगा। अरे हमें माफ कर, हम राधा को वचन दिए हैं कि हम दारू नहीं पियेंगे। हाँ हम जाते हैं। ठीक है भैया, जैसी तेरी मर्जी। कैसे हो गोविंदा? ठीक हूँ। मालिक। बोलो भैया। 100 रुपए का जरूरत है, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके लिए दवा लाना है, 4-6 दिन में वापस कर दूंगा। भाई ये, अरे मैंने रुपए की झाड़ नहीं लगा रखी है जो तुमको दे दूं यार, क्यों सुबह सुबह चले आते हो मेरा दिमाग चाटने? जाओ गेट पे खड़े हो जाओ, जाओ चले आते भिखारी, पैसे दे दो। मालिक। बोल, तू भी बोल। वो तो बड़ा ही नेक आदमी है, आप सबको देते रहते हैं, उस बेचारे को 100 रुपया देने से क्यों मना कर दिया? भाई ये नेक आदमी तो है, ब्याज तेरे बाप से शुरू करूंगा। ओ देख,
पैसे मांगने का असली हकदार आ रहा है। आओ आओ। नमस्ते मैनेजर बाबू। नमस्ते नमस्ते। कितने पैसे चाहिए? 100 रुपया चाहिए मैनेजर बाबू। बस 100 रुपए। हट रे। ये ले भाई। अरे भैये अंगूठा भी लगा दे। ये ले। नमस्ते मैनेजर बाबू। हाँ जा जा। नमस्ते मालिक। रतन हाथ हटा। क्या मालिक? हाथ हटा। बोल मालिक कितने भरे? तू मेरा मैनेजर है कि मैं तेरा मैनेजर? नहीं मैनेजर तो आप ही है मालिक। तो हिसाब क्यों पूछता है? मालिक बात क्या है, 100 रुपए देते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, बाद में 2000 रुपए भर लेते हैं, इसीलिए तो आदमी आपके अंगूठे के तले रहता है मालिक। रतन अब तू कितना समझदार हो गया रे। वो तो मैं हूँ मैनेजर बाबू। क्या है? ये चिट्ठी पढ़ दो। मैं यहाँ चिट्ठी पढ़ने के लिए बैठा हूँ, जा कहीं और पढ़ा ले। काम करना होगा तो नानी मर जाएगी, मुंह लटका के चले आएंगे। मैनेजर बाबू चिट्ठी पढ़ दो, तेरे बाप का नौकर हूँ। चल अरे जाने भाई। जा भाई जा। चिट्ठी पढ़ाने आया था। रतन जी मालिक देखा ना कैसे अनपढ़ लोग आ जाते हैं, कोई चिट्ठी पढ़ाने कोई पैसा मांगने। मुकादम साहब तनिक जरा चिट्ठी पढ़ दो। अरे भीष्मा ये चिट्ठी पढ़ने पढ़ाने का वक्त है या काम करने का? जाओ पहले जाकर अपना काम खत्म करो। काम तो हो ही रहा है। कहा ना पहले जाकर अपना काम खत्म करो, शाम को आना पढ़ दूंगा। क्या हो रे बिशनवा, तेरी चिट्ठी अभी तक नहीं पढ़ी गई? कहाँ बाबूजी। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं पढ़ दूंगा, समझा? अच्छा बाबूजी। हाँ राधा। जी बाबूजी। इस कमरे में थोड़ा सीमेंट और रेती पड़ी हुई है, दूसरे माले पे जो आखिरी कमरा है ना जी, उसमें 2 गोनी रेती 1 गोनी सीमेंट डाल दे। ठीक है बाबूजी। सुन जी अब भी डाल दे, थोड़ा काम करवाना है। ठीक है बाबूजी। हाँ सुन रे, अक्कल से काम लेना, जैसा कहा हूं वैसे करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो आ रहा है। गोविंदा देख मैनेजर बाबू ने 2 पान मंगाए हैं नुक्कड़ वाली दुकान से, लेकर आना। ठीक है ले 10 रुपए ले, 2 पान लेके आ जा। ड्यूटी होने में जमीन आसमान का अंतर है, तुम डरती का ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। नहीं बाबूजी हमको छोड़ दीजिए, बाबूजी हमको छोड़ दीजिए। सुनो तो जो गोविंदा करेगा वही मैं करूंगा राधा। नहीं बाबूजी वो हमारे पति है बाबूजी। अरे सुनो पत्नी है तो क्या फर्क पड़ता है, एक मिनट ये सुनो, ये ले ये पैसा ले, पैसा ले राधा, तुमको रानी बनाकर रखो। अरे ले राधा बाबूजी, हमको छोड़ दीजिए बाबूजी, हमको छोड़ दीजिए बाबूजी, हमको छोड़ दीजिए बाबूजी, हमको छोड़
करोगी तो आयश करोगी, वरना जबान खोलने का अंजाम जानती हो राधा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बाहर सब ठीक ठाक है? तो सब ठीक ठाक है। ये ले पैसे, यहां देखना कोई गड़बड़ ना होने पाए। चल घूम के आते हैं। छोड़ना। अरे चलना। तू काम पे नहीं गया? अरे बड़ी मुश्किल से मुकादम का दुई बंडल बीड़ी के दिया था, यानी कि दुई दिन, यानी कि सोचो, चलो। बच्चे देख रहे ना, छोड़ना, समझ में नहीं आता तुझे? तू चल, मैं आती हूँ। अब कौन खेलेगा? कितना बुलाता हूँ, आती नहीं है। सत्यानाश उस राक्षस का, तू फिक्र मत, मैं हूं ना, मैं हूं, मैं पानी लेकर आती हूँ। दीदी दीदी कुछ को कहना मत, दीदी किसी को मत कह, कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं होगा। हर दिशा दूर करे अंधकार, माये वरद कर डाले हम ये सपना साकार, हो शिक्षित बाल नर नारी भारत बने महान, भारत बने महा, भारत बने